Morning students, how are you? I think all of you are fine. कल हमने किए थे अमात्रिक शब्द जो कि दो अक्षर का जोड़ था. आज हम करेंगे तीन अक्षर वाले शब्द. तीन अक्षर वाले शब्द में हम इसको कैसे करेंगे, जैसे न म नम. कल हमने ऐसे किया था, न अगर हम यहाँ पे न और म लगाते हैं तो ये बनता है न म नम. न म नम के साथ अगर हम इसमें क भी ऐड कर देते हैं तो न म नम और क न म क नम क, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, न म क नमक. क ल कल और इसके साथ श ऐड किया तो क्या बन गया, क ल श कलश. क ल कल श क ल श कलश कलश कलश. श ह द श ह द. अब इसको फास्ट बोलिए, श ह द श ह द श ह द श ह द. म ह ल म ह ल महल 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 महल. अब जिस तरह से हमने इन वर्ड्स को रीड किया है, इनको वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वाक्य. अब हम तीन शब्दों से बने वाक्य रीड करेंगे. अ म न अमन अमन अमन. न म न नमन कर कर. तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, अमन नमन कर. खटर खटर पटर पटर. मत मत कर कर. खटर पटर मत कर. महक महक. शहद शहद. चख चख. महक शहद चख. अमन नमन कर. खटर पटर मत कर. महक शहद चक. ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपने इस पेज को, पेज नंबर आपका 7 है, आपने इसको अपनी नोटबुक में राइट भी करना है और उसके बाद आपने इसको रीड भी करना है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.